नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने बहुत मेहनत से बनाया था आज 4-5 साल पहले, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं था, कोई भी वीडियोस मेरे पास नहीं था। तब क्योंकि तब कभी सोचा नहीं था कि वीडियो यूट्यूब में वीडियोज अपलोड करूंगा, तो मैंने ज्यादा कुछ वीडियो बना के नहीं रखा था। उस टाइम पे मेरा जो एक्वेरियम था उसका एक वीडियो तो शायद आपने, एक झोंका तो शायद आप लोगों ने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो में। तो वो वीडियो मुझे मिला है एक पुराना हार्ड ड्राइव से। हालांकि जो दूसरा हार्ड ड्राइव में मेरा अदर्स वीडियो थे, जो कारपेट ग्रो हुए थे, वो कारपेट का पिक्चर्स वगैरह थे, वीडियोस वगैरह थे, वो सारे जा चुका है क्योंकि वो हार्ड ड्राइव अभी काम नहीं कर रहा है। तो खैर, मुझे एक वीडियो तो मिला कम से कम, जिससे मैं आपको, आप लोगों को कुछ दिखा सकूं। एक मैं मेरा पुराना टैंक कैसा दिखता था उसको मैं दिखा सकूं। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो। तो दोस्तों, यही है वो टैंक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे कुछ नियॉन टेट्रास है और ये जो पीछे दीवार के सामने आप प्लांट्स देख रहे हैं नीचे, वो बेबी टीयर्स है। ड्वार्फ बेबी टीयर्स नहीं, प्लेन बेबी टीयर्स है। सामने मोंटे कार्लो का मैंने कारपेट बनाया और उसी के साथ हेयर ग्रास है। पीछे जो हल्का रेड कलर का आप देख रहे हैं वो लुडविजिया पेलिस्टोरिस है। ये फिल्टर जैसे का आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा फिल्टर था, 200 लीटर पर आवर, सनसन का हैंग ऑन बैक फिल्टर था। ये मेरा DIY कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, सिट्रिक एसिड और कुकिंग सोडा के साथ मैं बनाता था। ये जो मैं 4000 लीटर पर आवर वेव मेकर का बात कर रहा था, वो यहाँ पे है। ये चालू नहीं है क्योंकि ये अगर चालू रहता तो ये पार्लिंग वगैरह आप देख नहीं सकते थे। यहाँ पे देखिए रोटाला पे कितना खूबसूरत पार्लिंग हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ये अगर प्लांट्स पूरा हेल्दी है तो आपको ये पार्लिंग देखने को मिलता है। इसी के ज़रिए आपको पता चलता है कि आपका प्लांट्स हेल्दी है या नहीं। यहाँ पे बकोपा कैरोलिनियाना करके एक प्लांट्स था। ये जो स्टेयर्स के साइड में आप देख रहे हैं, ये है क्रिप्टोकोरिन पेची। काफ़ी बड़ा हो गया था ये प्लांट्स। और यहाँ पे कुछ असैसिन स्नेल्स है पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं, पता नहीं यहाँ आपको दिख रहा है या नहीं। श्रिम्प्स बहुत सारे थे इस प्लांट में, इस टैंक में। मैंने 6 श्रिम्प खरीद के शुरू किया था और ये आखिर तक ऑलमोस्ट लाइक 150-200 हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गप्पीज ने कुछ बच्चे छोड़े हैं, तो हाफ रेड गप्पीज थे ये। और फिलहाल तो ये टैंक पे अभी जिस वक्त में मैंने वीडियो लिया तो खाली फिल्टर ही चल रहा था। वेब मेकर बंद करके रखा था मैंने पर्लिंग को लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ये बेबी टीयर्स जो देख रहे हैं, बेबी टीयर्स इतना अच्छा हुआ था, नीचे इतना घना हुआ था, एक स्टेप्स जैसा बन गया था। और मोंटी कार्लो भी आप देख सकते हैं पीछे, एक देखिए असैसिन स्नेल्स दिख रहा है, कुछ श्रिम्प्स दिख रहा है। ये हेयर ग्रास और मोंटी कार्लो का जो कारपेट मैंने बनाया था, कारपेट ऑलमोस्ट लाइक 1 इंच थिक हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो वीडियो नहीं है क्योंकि वो हार्ड ड्राइव क्रैश कर गया है। तो बहुत ही बढ़िया एक सेटअप था। इसमें मैंने DIY CO2 यूज़ किया था जैसे मैंने कहा। तो ये वीडियो का यही एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास था, आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगा मुझे। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, ताकि एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा कम्युनिटी हम लोग बना सके, ये जितने भी हॉबीस्ट है सारे लोगों को लेकर के। और अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जितना करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे के जरिए सारे हॉबीस्ट एक साथ से इसका मज़ा ले सकते हैं। और आपका अगर कोई आपको अगर कोई जानकारी चाहिए या फिर आपका अगर कोई सुझाव है तो सारे लोग एक साथ से सीख सकते हैं। तो आइए एक साथ में ये हॉबी को एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।